उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर जीपी सिंह जी, जीके सिंह जी, यहां से लोकप्रिय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह जी, माननीय विधायक संगीता बलवंत जी, विधान परिषद सदस्य श्री केदारनाथ सिंह जी, विशाल सिंह चंचल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिलाध्यक्ष भानु सिंह जी, परिस्थित सिंह जी, प्रभुनाथ सिंह जी, स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी के सुपुत्र श्री अजय सिंह जी, माना देवी जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित देश के सबसे बड़े गांव अपने सारे पराक्रम का लोहा देश और दुनिया को मनाने वाला कहने के बड़े बड़े भाई बहनों, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है आप सबके बीच में और मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनोज सिन्हा जी को जिन्होंने चुनाव कही सही लेकिन चुनाव के बहाने मुझे इस गहलर गांव में आने का मौका दिया। मैं पिछले दो वर्षों से सोच रहा था कि गहलर में जाकर के उस वीर भूमि को प्रणाम करूंगा, लेकिन भाई बहनों कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते चाहते हुए भी मैं यहां नहीं आ पाया, लेकिन आज मनोज सिन्हा जी के बहाने में यहां आया हूं और आपसे अपील करने के आया हूं कि हमारे गाजीपुर की धरती तो गाजीपुर थी ना पहले, क्या नाम था, गादी तनय मन चिंता व्यापी और बिन वही ना ऐसे चल पापी, जितने निशाचर हैं, जितने पापी हैं, इनके वध के लिए अनुसंधान करने की भूमि है गाजीपुर और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आया हूं कि भाइयों बहनों जिस भूमि का उल्लेख आज से हजारों वर्ष पहले रामायण में होता है और महर्षि विश्वामित्र के पिता की राजधानी जो गाजीपुर रही हो, आखिर वह गाजीपुर कैसे हो गया, आखिर महर्षि विश्वामित्र के पिता की राजधानी थी ये बदलते बदलते कहां चला गया। और याद रखना, इस बात को याद रखना, त्रेता युग में इसी भूमि पर जन्मे हुए महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने पहली बार आतंक के खिलाफ एक व्यूह रचना की थी, आर्यभट्ट के दो बड़े साम्राज्यों को इधर अवध उधर जनकपुर को मिला करके एक बड़ी सेना खड़ी करवाई थी। भले ही भगवान राम को सेना की आवश्यकता न पड़ी हो, लेकिन याद रखना भगवान राम अगर उस समय के सबसे बड़े दुराचारी पापाचारी का वध करते हैं तो उसके पीछे की ताब है कोई जनपद है तो आज का आपका जनपद गाजीपुर है। और इसीलिए आज के इसी जनपद में उस पर बक्सर जनपद पड़ता है ना, वहीं पर तो महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम बनाया था और तभी उन्होंने कहा था जब उनके यज्ञ में बार बार विघ्न पड़ रहा था, यद्यपि महर्षि विश्वामित्र अपने समय के बहुत बड़े मनोज्ञ थे, लेकिन उन्होंने उस बात समय एक संकल्प लिया था और उस संकल्प के अनुसार वे स्वयं शस्त्र सका स्वस्त्र धारण नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि अब तो लगता है कि बिना भगवान की कृपा के भगवान के इन पापियों का वध नहीं हो सकता
और वे सीधे सीधे वस्त्र के अपने आश्रम से चलकर के अयोध्या आए और अयोध्या में महाराज दशरथ के पास जाकर के कहते हैं कि मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुझे राम दीजिए। महाराजा दशरथ बुढ़ापे में एक पुत्र पैदा होता है और वह भी बुढ़ापे में बाप का सहारा जिस पुत्र को बनना उसको बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा महर्षि ये क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं अपनी चौवन की सेना लेकर के चलता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे आपका नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेना भी नहीं चाहिए, मुझे एक बार राम चाहिए। भाइयों बहनों, एक बार कालखंड था जब राजा एक ऋषि को यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने सबसे प्यारे और सबसे बड़े पुत्र को देकर के कहता है कि आर्या व्रत की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और राम और लक्ष्मण को जाके कहते हैं कि जाओ महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को सर्वसाथ संपन्न कराओ। भाइयों बहनों, आतंकवाद को पहचानने की पहली ताकत दुनिया को अगर किसी ने दी है तो उसका श्रेय आपके जनपद को पड़ता है, और इसलिए मैं आपके इस जनपद को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सब सौभाग्यशाली हैं, गांवर के वासी सौभाग्यशाली हैं कि माँ गंगा का सानिध्य कितना नजदीक से उन्हें प्राप्त है। एकदम गांव के बगल से माँ गंगा का कृपा उनकी पर सदैव बनी रहती है। और भाइयों बहनों, पूर्वांचल की गरीबी को लेकर के देश की संसद में स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी जी ने जिन शब्दों में देश की संसद के सामने अपनी बातों को रखा था, वह कांग्रेस को 55 वर्षों तक संवेदनशील नहीं बना पाई और देश की आजादी के बाद पहली बार पहला कोई प्रधानमंत्री है जिसने इस देश की गरीबों को समझा है, जिसने देश की गरीबी को, देश की नौजवानों की बेकारी को, देश के किसानों की समस्या को, देश के जवानों की समस्या को समाधान करने के बारे में पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता दिखाई। भाइयों बहनों, यहाँ पे जनरल वीके सिंह जी भी बैठे हैं, जो कार्य कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें 55 दिनों के अंदर करके दिखा दिया। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से देश के सैनिकों का सम्मान करने का कार्य अगर किसी ने किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज मैं देश के अंदर अनेक राज्यों में पिछले 2.5 महीनों के दौरान गया हूं। तब मैं बंगाल में था, बंगाल की सरकार ने मेरी सभाओं को प्रतिबंधित किया था और मैं चैलेंज करके गया था कि देखता हूं मैं कितना मेरी सभाओं में प्रतिबंध लगाओगे। कल मैं सुबह से लेकर शाम तक बंगाल में ही था और भाइयों बहनों, मैंने देखा क्या हुजूम उमड़ रहा है। जैसा उत्साह आपका है ना, यही उत्साह बंगाल के अंदर वहां के लोगों के अंदर, वहां की महिलाओं के अंदर, वहां के नौजवानों के अंदर देखने को मिला। चाल हो रही की आवाज थी, भाइयों बहनों एक ही आवाज चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा था और वह नारा गूंज रहा था फिर एक बार मोदी सरकार, चारों ओर एक ही नारा था मोदी सरकार मोदी सरकार। मैंने लोगों से पूछा बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में, इधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, सब जगह मैंने पूछा लोगों से। मैंने कहा क्यों, क्या मामला है? उन्होंने कहा साहब मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने पूछा क्यों, लोगों ने कहा मोदी जी के कारण देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, मोदी जी के कारण योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है, कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है, और मोदी जी के कारण अजर मसूद जैसे आतंकवादी को अब दुनिया का कोई देश अपने आश्रय नहीं दे सकता है। मोदी जी के कारण आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी विजय हो गई है। अब भारत के अंदर कोई भी आतंकी वारदात
करने के पहले आतंकवादियों को और उनके आंकड़ों को सोचना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर कहां जगह मिलेगी। उन्हें मालूम है आतंकवादी पाताल में भी छुपेंगे तो मोदी पाताल से भी निकाल ला करके उसको ढेर करवा देंगे। भारत की धरती आतंकवाद की धरती नहीं बनने वाली है। सुरक्षा के बारे में कितना महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण करते हैं गाजीपुर में, और भाइयों बहनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पसीना छूटता है इस्लामाबाद में। गर्मी पड़ी है यहां लेकिन पसीना बहता है इस्लामाबाद में। ये भारत का स्वर है, ये भारत का पराक्रम है। भाइयों बहनों आज आपने देखा होगा पिछली सरकारों के समय कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता था, कभी काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता था, कभी लखनऊ अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर आतंकी हमला होता था, कभी गोरखपुर में विस्फोट होते थे। लेकिन 5 वर्षों में मोदी जी के शासनकाल में कहीं कोई विस्फोट सुनाई दिया क्या है? क्योंकि आतंकवादियों उनके आंकड़ों को मालूम है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी छोड़ेगा नहीं। अगर किसी निर्दोष को छेड़ोगे तो मोदी पाताल से भी निकाल ला करके वही करेगा जिसका आतंकवादी हकदार होता है। भाइयों बहनों एक विश्वास देश के रेलवे की कितनी सुविधाएं मिल गई है, हाईवे बन रहे हैं, ग्रामीण सड़कें बन रही हैं, नए नए कार्य हो रहे हैं। ये कार्य जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किसने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से आज आपके सांसद आपके जनपद में लेकर के आए हैं। आज तेजी के साथ जिस जनपद की पहले पहचान होती थी माफियाओं के कारण, गुंडों के कारण, आज उसकी पहचान हो रही है विकास के कारण, आज उसकी पहचान हो रही है स्वर्गीय विश्वनाथ द्रौपदी जी के कारण। मैं देखता हूँ मनोज जी जब भी संसद में कब हासिल करते हैं तो स्वर्गीय विश्वनाथ दहमरी जी की चर्चा जरूर करते हैं कि गांधीपुर का प्रतिनिधित्व कभी विश्वनाथ दहमरी जी ने किया था। उन्होंने यहाँ की गरीबी बेकारी के बारे में बोला था, उन्होंने पूरे देश की संसद को झकझोरा था। यह बात कोई उठाता है मजबूती के साथ आपके सांसद जी मनोज सिन्हा जी उठाते हैं। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को कटान दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, 7 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत का कनेक्शन दिया, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 12.5 करोड़ किसानों को, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रूपये सालाना देने की व्यवस्था की, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री स्टैंडअप और स्टार्टअप योजना ने आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 37 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था उन्हें दी, और यही नहीं 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। क्या किसी की जाति देखी या मकान जाति देख करके दिया गया? क्या बिजली और रसोई गैस का कनेक्शन जाति देख करके दिया गया? क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो पैसा दिया जा रहा है या किसी की जाति देख करके दिया जा रहा है? और तो और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा है 5 एकड़ की सीमा समाप्त, हर किसान के खाते में हर वर्ष 6,000 रूपये हर वर्ष आते रहेंगे। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो 6,000 रूपये हर किसान के खाते में स्वयं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को भी कहा, क्या उन्होंने किसी गरीब को 5 लाख रूपये की स्वास्थ्य सुविधा दी? क्या किसी की जाति देखी गई? तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए जाति की बात क्यों की जा रही है, क्यों की जा रही है? ये जाति जाति की बात करके क्या देश को कमजोर करने की साजिश तो नहीं है? देश को कमजोर करने की साजिश से
आप सबको चैतन्य होना पड़ेगा। और यही कहने के लिए आज मैं वीरों की भूमि कहमर में आया हूं आप सबका आह्वान करने के लिए। भाइयों बहनों, प्रदेश में जब आपने मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम लोगों ने सबसे पहला काम किया था लघु और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ करने का कार्य किया। हमने दूसरा कार्य किया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने तीसरा काम किया, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तीसरा काम किया कि जितने भी बड़े बड़े जमीनों पर पिछली सरकारों के समय में वो माफियाओं ने कब्जा किया था, हमने कहा कब्जा से मुक्त कराओ। और कब्जा से मुक्त कराने के बाद 54,000 हेक्टेयर भूमि कब्जे से मुक्त कराने के बाद कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं गौशाला, कहीं चिकित्सालय, ये सारी खुलवाने के बाद जो जमीन बची हमने कहा गरीबों को इसको पट्टा करने की कार्रवाई भी करो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई, हमने कार्य किया। आप याद करिए, 2 साल पहले तक एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं पैदा उसकी खेत में अगर होता था 800-900 रुपया नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार आई, हमने कहा किसान की उपज का लागत का 1.5 गुना दाम देंगे, उससे ज्यादा दाम देंगे। आज आप देखते होंगे एक एक किसान अगर 1 क्विंटल गेहूं लेकर के कहीं क्रय केंद्र पर जाता है तो एक किसान को 1 क्विंटल गेहूं का दाम सीधे उसके खाते में 1860 रुपए पहुंच रहे हैं। कहा पिछली सरकारों में 800-900 रुपया नहीं पहुंचता था, हमारी सरकार में दुगने से ज्यादा पैसा किसान के खाते में दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई तो हमने एक बात और कही कि गुंडे और माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। हमने साफ कहा और एक स्पष्ट संकेत दे दिया, अपराधी और गुंडों के बारे में साफ कहा कि भाई तय कर लो, अगर कानून हाथ में लोगे या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। आज आप देख रहे होंगे जो गुंडे पहले पिस्तौल तान करके जगह जगह दंगा कराते थे, मऊ का दंगा आपने देखा होगा, आज तुम दबा करके जेलों के अंदर कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है। ये परिवर्तन है कि नहीं है? ये परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता है? ये परिवर्तन है या नहीं है? ये गुंडों के अंदर जब तक भय नहीं होगा तब तक भय मुक्त वातावरण आप नहीं दे पाएंगे। और आज मुझे प्रसन्नता होती है, मोदी जी ने मुझे अवसर दिया और मैं प्रदेश के अंदर भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए अपने सभी साथियों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक नागरिक को भय मुक्त वातावरण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत। आपकी ताकत जो मिल रही है बीजेपी को, इस ताकत के बल पर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और नहीं तो क्या स्थिति थी गाजीपुर में, मऊ में, आजमगढ़ में, वाराणसी में भी व्यापारियों का अपहरण होता था, नंद किशोर रुंगटा का अपहरण करके किसने हत्या कर दी थी और क्यों लोग मौन थे? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये दहशतगर्दी कब तक चलेगी, ये गुंडागिरी और माफियागिरी कब तक चलेगी, या ये माफियागिरी में हमारे नौजवानों का भविष्य हो पाएगा क्या? और अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के, वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल करना है तो इस माफिया राज को, इस गुंडा राज को, इस दहशतगर्दी को हमेशा के लिए समाप्त करना पड़ेगा। और जिस कार्य को बहुत पहले, हजारों वर्षों पहले महर्षि विश्वामित्र ने धरती से कहा था कि गादि तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरही ना निश्चर पापी, मुझे लगता है इन पापियों को, इन नर पिशाचों के लिए बहुत पहले ही महर्षि विश्वामित्र ने जो वाक्य कहे हैं उसको आज साकार करने का समय आ गया है, जब मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप सब सहमत हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? सभी लोग। तो मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी सांसद फिर से बनेंगे।
सहमत हैं? कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज के दिन पर आपको विकास की चिंता नहीं करनी है, न गांव को, न किसानों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को। ये कार्य करने के लिए मनोज जी पर्याप्त हैं, उत्तर प्रदेश में मैं पर्याप्त हूँ, हमारे विधायकगण पर्याप्त हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को आप देंगे? क्या देश में आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, क्या उस षड्यंत्र में जाने अनजाने में हम लोग तो सहभागी नहीं बनेंगे ना? आप इस बात को लेकर संकल्पित हैं? भाइयों बहनों, ये लड़ाई ग्राम पंचायत की नहीं है, क्षेत्र पंचायत की नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। कमल चुनाव चिन्ह 1,30,000 की है, इतना बड़ा गांव है। अपने आप में नगर कई नगर पंचायत है, तो इस गांव में अपने आप में समा जाएंगे। मुझे बताया गया कि 13,000 सैनिक इस गांव से हैं, 10,000 रिटायर्ड सैनिक और सैनिक अधिकारी इस गांव से हैं, और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, तमाम रक्त प्रतिष्ठित पदों पर अकेले गांव और गांव का ही कोई न कोई व्यक्ति देश और दुनिया के अंदर हमें दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, सब कुछ मुझे पहली बार गहमा आने में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। और मैं एक बार तो मैंने सुनीता सिंह जी से कहा है, मैंने कहा देखिए आपने इससे पहले मुझे बुलाया नहीं यहाँ पर, मैं आया हूँ, मैं आज उनकी सासू माँ से यही शिकायत कर रहा था। मैंने कहा देखिए अपने बहू को आप भोजन बनवाने का काम कीजिए, जो हमें घेमर गांव में निवास करती हैं, अब उनसे घर में भोजन बनवाइए खाने से। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के कार्य में बहुत चिंतित रहती है, विकास के कार्य में लड़ती है, कार्य करती है, मेहनत करती है, और भाइयों बहनों लगातार आपके लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन मैं देश से ही सही आपके गांव में आया हूं, और मैं कहूंगा अगर 1,30,000 की आबादी का ये गांव, 10,000 रिटायर्ड सैनिक जिस गांव में हो, देश के सबसे बड़े गांव में आपका गांव का नाम, सबसे अधिक सैनिकों में आपका गांव का नाम, सबसे अधिक प्रशासनिक अधिकारियों में आपके गांव का नाम, सबसे प्रतिष्ठित लोगों में आपके गांव का नाम, तो क्या हमारा गांव इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगले 48 घंटों तक आप में से हर व्यक्ति मनोज सिन्हा बन करके हर गांव में जाकर के मोदी जी का और कमल चुनाव चिन्ह का प्रचार कर पाएगा? अभी से जाके 48 घंटे का मौका मिलेगा आपको, और ये लड़ाई देश की लड़ाई है, देश के लिए लड़ा जाने वाला लोकतंत्र का उत्सव है, देश का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित होगा यह तय करने का उत्सव है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में विशेष रूप से आया हूँ कि भाइयों बहनों, मनोज सिन्हा जी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, गाजीपुर का सम्मान बढ़ेगा, और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जब बनेंगे तो भारत का सम्मान बढ़ाएंगे, भारत की सुरक्षा देंगे, भारत के विकास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे, गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं समझता हूं ग्वालियर का हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा देश की सुरक्षा के प्रति समर्पित है, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने वाला एक गांव और एक पूरा का पूरा क्षेत्र। मुझे लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारत देश की समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहा है, और इसलिए आप सबसे भी, आप सब 19 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री मनोज सिन्हा जी को भारी मतों से विजय कराने के लिए आप सबसे करने के आया हूं। आप सब सहमत हैं? सब मेरे साथ बोलेंगे? दोनों हाथ बढ़ करके मेरे साथ संकल्प लीजिए, मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ को सभी लोग खड़े करें। भारत की आवाज दिल्ली तक आनी चाहिए, और इतनी जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मांगे व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि आए और इस समाज का
मुझे समाप्त करने के